हेलो ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन के पेपर टू के बारे में, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, सीएपीएफ एसी के एग्जाम के बारे में आपको पता होगा, पेपर टू में जो है आपका 200 मार्क्स का जो है रिटन एग्जाम जो है होता है, जो कि एक सब्जेक्टिव पेपर है जिसमें आपको लिखना है। जैसे आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम लिखते हो वैसे ही आपको जो है 200 मार्क्स का पेपर लिखना है, जिसके अंदर रिपोर्ट राइटिंग का एक टॉपिक आता है, जिसमें आपके 20 मार्क्स की जो है रिपोर्ट राइटिंग पूछी जाती है। ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको लाइव समझाऊंगा मैं किस तरीके से आपको रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में अटेम्प्ट करनी है, क्या उसका फॉर्मेट होना चाहिए, कितने मार्क्स आपको फॉर्मेट के मिलेंगे, कितने मार्क्स आपको डेटा के मिलेंगे, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है आपका डाउट अगर बचे तो। ठीक है, चलिए, ये वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चाहते हैं स्टडी फंडा से अपनी कॉपी चेक करवाना या फिर डेडिकेटली हमारी जो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर 9050555858 है हमारा। यहाँ पे आपको आपका फीडबैक और इवेल्युएशन प्रॉपरली आपको मिलेगा टीम स्टडी फंडा की तरफ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी पेपर वन की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, पेपर टू की उन्होंने तैयारी में भी अभी शुरू करी हो, तो उन सबके लिए खुशखबरी ये है, हम सभी टॉपिक्स को जो है फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम डेली का जो आपका आ रहा है अभी, ये आज का पहला लेक्चर है उसका। ठीक है, तो उसमें हम सभी टॉपिक्स को आने वाले जो इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग में आपकी दो रिपोर्ट आएंगी, 10-10 मार्क्स की, 20 नंबर की आपकी टोटल रिपोर्ट है, और इसमें आप जो है 20 में से 14-15 नंबर इजिली आप ला सकते हो अगर कुछ चीजों का ध्यान रखोगे और अच्छी रिपोर्ट एग्जाम में लिख के आओगे। ठीक है, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन रिपोर्ट। रिपोर्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे की तरह आप कुछ भी लिख दोगे, वहां पे ऐसा नहीं चलता है। रिपोर्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है रिपोर्ट राइटिंग लिखते टाइम। अगर इन सब चीजों को आप अच्छे से लिखते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्कोर जो है देखने को मिलेगा। तो आप मान के चल सकते हो 50% मार्क्स आपको फॉर्मेट के मिल जाएंगे, जो डिजाइन है प्रॉपर एक रिपोर्ट का उसके तरीके से अगर आप लिखते हो तो 50% मार्क्स आपको, यानी 3 से 4 नंबर जो है आपको फॉर्मेट के मिलेंगे, और 50% मार्क्स जो आपका डेटा फैक्ट जो कि करंट बेस्ड रिपोर्ट्स आपकी रहती है उसके मिल जाएंगे। ठीक है, अभी सीएपीएफ एग्जाम में लास्ट के 2 से 3 साल का अगर मैं आपको एनालिसिस बताऊं उससे पहले का भी, हालांकि रिपोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपका मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड रहता है। 90% आपके जो टॉपिक आते हैं करंट अफेयर बेस्ड के रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस पूछा था 2021 वाले एग्जाम में, उससे पहले वाले कुछ 1-2 साल पहले अल्कोहल बैन पूछा था बिहार में जो हुआ था उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में पूछा था। तो इस तरीके से आपके करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक रहते हैं और बहुत इजिली जो है आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है लिख सकते हो और स्कोर कर सकते हो एक अच्छे मार्क्स। ठीक है, इसमें जो है आपका लिमिट जो रहती है वर्ड्स की वो 200 वर्ड्स की रहती है, जो कि बहुत कम है। तो आपको सिंपल सिंपल जो चीजें हैं आपको पता है वही लिखनी है, इधर उधर की बातें इसमें नहीं लिखनी, क्योंकि अगर आप 200 से ज्यादा वर्ड अगर आप लिखोगे तो आपका जो है लिमिट जो है वो ब्रीच हो जाएगी और आपके मार्क्स वहां पे जो है कट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेट के बारे में, क्या कैसा क्या फॉर्मेट होना चाहिए। ये लाइन वगैरह आपको वहां पे नहीं लगानी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इस बॉक्स को बनाने के लिए मैंने लाइन लगाई है। टाइटल और हेडिंग जो है आपका क्वेश्चन से आप उठा के लिख सकते हो ऐसा कैसा, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इसको मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपरली टूर ऑफ ड्यूटी क्या होता है, किस तरीके से इस पे आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले आपको 3 चीजें लिखनी होती है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, जिसमें सबसे पहला होता है नाम, दूसरा होता है प्लेस, तीसरा होता है डेट। ठीक है, आप देखो रिपोर्ट आपसे लिखवाई क्यों जा रही है सीपीएफ एग्जाम में। जैसे ही आप ऑफिसर बनोगे तो बहुत सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में होगी, कहीं पे तार कट गई, कहीं पे चोरी होगी, या फिर कोई आतंकवादी हमला हो गया है, इस तरीके से जो है आपको रिपोर्ट आगे बना के भेजनी होती है। ठीक है, तो ऑलरेडी प्रिपेयर आपको करके भेज रहे हैं कि इस तरीके से आपको रिपोर्ट जो है करनी होती है। नेम में क्या होता है बेसिकली, हाँ यूपीएससी में क्या है, कभी भी आपको किसी भी यूपीएससी एग्जाम के अंदर अपना नाम कहीं पे रिवील नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि उनके गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है, अपना नाम आप कहीं पे मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप अपना नाम मेंशन करते हो तो डेफिनेटली वो जो है चीटिंग के अंदर माना जाएगा। तो आप अपना नाम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आप एबीसी का यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड लिख सकते हो, PQRS लिख सकते हो, या स्पेशल कोरेस्पोंडेंट भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको नाम अपना नहीं लिखना है, मेक श्योर करना। प्लेस आपकी चॉइस का, कुछ भी लिख सकते हो, न्यू दिल्ली लिख सकते हो, पंजाब, हरियाणा, पंजाब, कहीं से भी लिखो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस का प्लेस हो सकता है। डेट का आपको ध्यान रखना है, डेट जैसे पास्ट डेट जो है बेसिकली, अब ये जो इवेंट आपके आ रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस था जब एग्जाम हुआ आपका अगस्त 2021 के अंदर हुआ था, लेकिन जो इवेंट ये हुआ था मार्च के अंदर हुआ था ऑक्सीजन क्राइसिस वाला, मार्च और अप्रैल। तो अब जो डेट आपको जो देनी है वो पास्ट की देनी है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी आते हैं कई बार, जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट का टॉपिक है। ठीक है, और ये आप जब भी लिखोगे वो तब भी जो है करंट में रहेगा, क्योंकि लो उस पे पास अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डेट को बहुत सिग्निफिकेंटली आपको देखना है कि इवेंट जो है हो चुका है या अभी कंटिन्यूस चल ही रहा है। ठीक है, अब जैसे रिसेंटली 2-3-4 दिन पहले जो है दिल्ली में एक जगह है मुनका, वहां पे जो है एक फैक्ट्री में जो है आग लगी है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की वहां पे डेथ हुई है। तो इस तरीके की अगर रिपोर्ट आपको लिखनी आती है
वो पास्ट टेंस के अंदर आप लिखोगे, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आप अब आते हैं मेन बॉडी के ऊपर। इसमें मेन बॉडी में क्या क्या लिखना है, तो इसमें 3 से 4 पैराग्राफ का आप यूज करना। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ 3 पैराग्राफ को ही यूज करना, क्योंकि 4 अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपकी वर्ड जो लिमिट जो है वो डेफिनेटली क्रॉस होगी, क्योंकि 200 मार्क्स में जो है आप इन 3 पैराग्राफ के अंदर अच्छे से लिख सकते हो। ऐसे के लिए मैं 4 से 5 रिकमेंड करता हूँ। रिपोर्ट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पैराग्राफ जो है आप लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं पैरा फर्स्ट के बारे में। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो है चीजें लिखनी है, जिसके अंदर आपके ग्लिम्पसेस आ सकती है, इवेंट आ सकता है, इंसिडेंट आ सकता है, करंट हैपनिंग आ सकती है, ठीक है। जैसे आपका भी ये फायर इंसिडेंट वाला जो हुआ है दिल्ली में, मुनका में, तो इवेंट क्या था उसके बारे में आप लिख सकते हो, इंसिडेंट लिख सकते हो, जैसे कि 30 पीपल डाइड इन अ फायर ब्रोक आउट एट अ बिल्डिंग इन दिल्ली इज मुनका प्लेस, ठीक है, वो लिख सकते हो। उसके बाद जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है टूर ऑफ ड्यूटी वाला है, उसमें मान लो कोई रिपोर्ट गवर्नमेंट ने सबमिट किया है, कुछ भी इस तरीके की जो अगर चीजें होती है वो भी आप जो है उससे भी शुरुआत अपनी रिपोर्ट की कर सकते हो, राइट। जनरली ये टॉपिक आपके करंट अफेयर बेस्ड है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने यूजुअली करंट अफेयर पढ़े हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो पहले पार्ट में जो इंट्रोडक्शन लिखना है आपको बताना है, जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसके रिगार्डिंग ही आपका इंट्रोडक्शन होना है। बहुत बार क्या होता है हम टॉपिक को भूल जाते हैं, इधर उधर की चीजें लिखते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप लिख रहे हो इंट्रोडक्शन में वो टॉपिक के रिगार्डिंग ही आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आएगा व्हाई, हाउ, रीजन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, कुछ भी आ सकता है इसमें, ठीक है। इसको मैं आप ज्यादा बेटर तब समझ पाओगे जब मैं आपको वो प्रॉपर जो टॉपिक हमने लिया आज का उसमें जब मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। व्हाई मतलब रीजन क्या रहा, हाउ कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या, उस पर्टिकुलर टॉपिक जो आपके रिपोर्ट का टॉपिक है उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है क्या, जैसे मान लो रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 था तो उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, पूरी एक स्टोरी है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर टॉपिक रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 का आएगा, वैसे तो आएगा नहीं, जस्ट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया। थर्ड पैराग्राफ में इम्पैक्ट बताना है उस पर्टिकुलर इवेंट का क्या हुआ है, ठीक है। फ्यूचर बताना है आपको, फ्यूचर क्या हो सकता है उस चीज का, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए उस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग। जैसे मान लो दिल्ली के फायर वाला आप लोगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, ठीक है, जान मान की कितनी हानि हुई, तो ये सब चीजें आपको जो है लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, टेंस का मैंने देखा है बहुत जगह बोलते हैं कि सिर्फ पास्ट टेंस का ही यूज करना है, बट ये आपको आइडेंटिफाई करना है जो आप रिपोर्ट लिख रहे हो उसका पास्ट टेंस का कहाँ पे यूज होगा, प्रेजेंट टेंस का कहाँ पे होगा, फ्यूचर का कहाँ पे होगा, ठीक है। अब जैसे कोई भी इवेंट ऐसा होता है जैसे जो पहले ऑलरेडी 2-3 महीने पहले हो चुका है और अभी वो न्यूज में नहीं है, तो क्लियरली इंडिकेट इट इंडिकेट दैट पास्ट में लिखना है उसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो काफी दिनों से चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी जो है कंटिन्यूस उसके ऊपर एंड उसका नहीं हुआ है, तो उसको उसमें आप प्रेजेंट और फ्यूचर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम देखेंगे किस तरीके से यूज करना है। चलिए अब आ जाता है आपका जो आज का जो एग्जाम्पल है टूर ऑफ ड्यूटी, जो हमने सैंपल लिया है उसका। सबसे पहले आपको डेटा कलेक्ट करना है, लेटेस्ट करंट डेटा हैपनिंग क्या हुआ है, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस टूर ऑफ ड्यूटी, ठीक है। इम्पैक्ट इसका क्या होगा, यंगर लाइन ऑफ कॉम्बेटेंट विल रिमेन अनट्रेन्ड ऑफ हार्ड ट्रेन, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट को जो है फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टूर ऑफ ड्यूटी टॉपिक या टाइटल हो गया, यहाँ पे नेम में एबीसी, जगह में न्यू दिल्ली और डेट में 10 मई 2022 यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहला पैराग्राफ है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है, गवर्नमेंट इज अबाउट टू फाइनलाइज द टूर ऑफ ड्यूटी और अग्निवीर स्कीम अंडर विच यंगस्टर विल गेट अ चांस टू सर्व द आर्म फोर्सेज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स ऑन अ टेम्पररी बेसिस, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आप ये टेंस हमने किस में लिखा है, पास्ट टेंस में नहीं लिखा है हमने, ये हमने लिखा है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आपका फ्यूचर का भी हमने इसमें यूज किया है, ठीक है, क्योंकि अभी करंट में न्यूज में है, अभी भी चल रही है, तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे। एग्जाम में भी अगर आपकी आती है तो ये प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएगी, पास्ट में नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि अभी पूरी फाइनलाइज नहीं हुई है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया, यहाँ पे हमने बताया आपका कि गवर्नमेंट ने जो है टूर ऑफ ड्यूटी जो है स्कीम जिससे जिसकी वजह से जो है यंगस्टर जो है उनको 3 साल का मौका मिलेगा आर्म फोर्सेज में सर्विस देने का, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की गवर्नमेंट जो है कोशिश कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हमने दूसरा उसमें क्या देखा था, देखो दोबारा से, दूसरा हमने देखा था वाई, हाउ, रीजन और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देखो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट का जो है हमने इसमें कंटेंट डाला है, दिस स्कीम वॉज प्रपोज बाय द लेट CDS जनरल बिपिन रावत, अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम इट विल गिव अ चांस टू यंगस्टर टू एक्सपीरियंस द डिसिप्लिन लाइफ ऑफ आर्म फोर्सेज, इट इज ऑल्सो सेड दैट दिस स्कीम इफ इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली विल सेव करोड़ ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन द सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी एंड मेडिकल एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने बताया, उसका रीजन बताया स्कीम का क्या है, क्या रीजन है कि करोड़ ऑफ रुपीज जो है वो बचेंगे गवर्नमेंट के, जो कि हम देते हैं ऑफिसर्स और सोल्जर्स को इन द फॉर्म ऑफ
सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी और मेडिकल वगैरह की फैसिलिटी इनमें, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें बेनिफिट क्या इसका होगा कि यंगस्टर को जो है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक आर्मी की लाइफ जीने का जो है मौका मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया इसमें से, वाई रीजन, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, किसने किया था शुरू, लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने। रीजन क्या है, पैसे बचाने हैं और कैसे बचाएंगे इसको इंप्लीमेंट करके, राइट। अब इसका इंपैक्ट फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव देखेंगे इसमें क्या आएगा, उसके बाद इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये इंपैक्ट आ गया यहाँ पे आपका। मेनी सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिसर हैव वॉइस देयर ओपोजिशन टू द प्रपोजल, साइटिंग दैट इट विल इफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एथोस, द यंगर लाइन ऑफ कॉम्बेटेंट विल रिमेन अनट्रेंड और हाफ ट्रेंड एज इट टेक्स ईयर्स फॉर अ इवन सोल्जर टू बी अ कॉम्बेट रेडी, ठीक है। तो ये ओपिनियन है आपका, जो भी सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, काफी सारे ऑफिसर्स ने जो है ट्वीट भी किए इस चीज के रिगार्डिंग कि ये जो प्रपोजल आप लेके आ रहे हैं इट इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रीजन बींग, एक सोल्जर को कॉम्बेट रेडी होने के लिए एटलीस्ट 4 से 5 साल का टाइम लगता है, तो 3 साल में आप इतना क्या सिखा दोगे उनको कि वो एक कॉम्बेट रेडी हो जाए। और दूसरी बात, एक चीज और भी देखने वाली है यहाँ पे, रिपोर्ट को हटके हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं यहाँ पे, कि आप खुद सोचो कि एक सोल्जर है, अगर आपको बताया जाए कि 3 साल का आपको यहाँ पे टाइम काटना है, उसके बाद आप अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो वाली जो देश को सर्व करने की भावना कभी भी नहीं आ सकती आपके मन में, है ना। हालांकि जो पेट्रियोटिज्म है वो एक अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मुझे बस 3 साल का टाइम अपना करना है, यहाँ से कुछ ना कुछ एडवांटेज मुझे मिलेंगे, उसके बाद उसको मैं कहीं और इम्प्लीमेंट करके जो है बेनिफिट ले लूंगा, है ना। लेकिन एक सोल्जर जो होता है, जो पूरी लाइफ अपनी डेडिकेट करता है नेशन को, वो बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में करता है, जैसे रॉकेट लॉन्च करना है, टैंक चलाने, बहुत सारी चीजें हैं। तो जहाँ पे भी जान न्यौछावर करने की बात आएगी, आई पर्सनली थिंक दैट कि 3 साल वाली जो सर्विस होगी उसमें जो है कैंडिडेट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अंडरमाइन करेंगे पोटेंशियल को, राइट। तो ये हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बारे में, गवर्नमेंट हैव मेड सब कमिटी फॉर द डिसीजन ऑन द टूर ऑफ ड्यूटी बिफोर इंप्लीमेंटिंग दिस, इट विल अ मैटर ऑफ वॉच टू सी दिस चेंजेस इन द आर्म फोर्सेस, वेयर अ 3 ईयर शॉर्ट टूर विल बी गिवन टू द यंगस्टर टू एक्सपीरियंस आर्मी लाइफ, ठीक है। तो ये आपकी एंडिंग यहाँ पे होगी, ठीक है। अब बहुत सारे चैनल मैंने देखा, इसमें बोलते हैं कंक्लूजन आपको लिखना है, बहुत सारे बोलते हैं अपना ओपिनियन देना है। यार मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि आपको इसमें अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए, उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोई भी रिपोर्ट है, आप किसी भी न्यूज़पेपर की रिपोर्ट को आप पढ़ लो, या फिर कोई भी आप टीवी एंकर की आप रिपोर्ट अगर पढ़ोगे, तो ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि ओपिनियन आपका ऐसे में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट के अंदर सिर्फ हमें वही चीजें लिखनी चाहिए जो एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ है और जो चीजें आपकी चल रही है। अपनी तरफ से आप कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अलग अलग ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है। कोई बोलेगा कि बहुत अच्छी चीज है, फायदे गिनवा देंगे उसके, कि भाई सबको हक है कि आर्मी में जाने का, इस तरीके से पहले सीटें कम रहती थी अब ज्यादा हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, ठीक है। कोई इसके नुकसान गिनवा देगा, वो एक अलग मैटर ऑफ डिस्कशन हो जाएगा, बट आई पर्सनली थिंक दैट कि ओपिनियन या आपको जो भी आपका वो है अपना नहीं देना चाहिए। बाकी इसमें भी अगर आप देखोगे तो हमने अपना ओपिनियन नहीं दिया है कहीं पे भी, बट हमने इतनी ब्यूटीफुली इसको एंड किया है कि इट विल बी अ मैटर ऑफ वॉच, कि हमें ये देखना है कि फाइनली क्या होता है, ये स्कीम इंप्लीमेंट हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ द टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताएं हमें कैसी वीडियो लगी, और फॉर्मेट अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से बताइए, इसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। बाकी इसका जो PDF है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल, आप जाके वहां से ले सकते हो। इस वीडियो पे इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, गुड नाइट।